maybe 1 to 1 for addition in dial cell reaction is a related question. Question number 1 में क्या ये 1,3-butadiene इसमें कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, रिएक्शन नंबर 1 and 2 दोनों जगह रिएक्टेंट्स हैं, ये लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा. तो सेकंड क्वेश्चन में भी रिएक्टेंट फर्स्ट वाले एक बार HBr1 इक्विवेलेंट और दूसरी बार HBr1 इक्विवेलेंट टेम्परेचर -80°C दोनों केसेस में आपको प्रोडक्ट बताने हैं. फिर इसके बाद क्या है, जैसे 135 हेक्साट्राइन इस पर HBr1 इक्विवेलेंट के रिएक्शन. इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 में साइक्लोहेक्सेन पर 2 मिथिलीन ग्रुप्स लगे ना एडजेसेंट कार्बन पर, हाइड्रोजन 1 इक्विवेलेंट प्लैटिनम कैटलिस्ट. फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, फिर से वही साइक्लोहेक्सेन इसमें एक मिथिलीन ग्रुप है और एक एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, ठीक है. इसके बाद फिर अगला वाला जो रहेगा इसमें क्या है, जैसे साइक्लोपेंटाडाईन इस पर रिएक्शन किसकी, दैट इज ईथीन. इसके बाद सेवंथ में फिर से साइक्लोपेंटाडाईन का साइक्लोपेंटाडाईन से ही रिएक्शन है, ठीक है. इसके प्रोडक्ट बताने हैं. एट्थ वाले में 1,3-butadiene का रिएक्शन एक बार किससे कर रहा है अपने, दैट इज विद ये एसिटिलमेलिक एसिड है. अगली बार भी 1,3-butadiene की रिएक्शन किससे, दैट इज विद फ्यूमरिक एसिड, ठीक है. इसके बाद टेंथ में साइक्लोपेंटाडाईन इसका रिएक्शन किससे, दैट इज विद दिस एक्राइलिक एसिड ना, CH2CH3OOH. नेक्स्ट वाले में 1,3-butadiene पर OMER सब्स्टिट्यूएंट लगाए और इधर ईथीन पर NO2S सब्स्टिट्यूएंट लगाए, ठीक है. वेल इसमें वही 1,3-butadiene में कार्बन नंबर 2 पर मिथॉक्सी ग्रुप लगाए और इधर क्या लगाए, दैट इज नाइट्रो ग्रुप लगाए अगेन ऑन ईथीन. क्वेश्चन नंबर 13 में इट इज 1,2-dibromobenzene इस पर जिंक रिएक्शन कर रहे, उससे कंपाउंड ए बन रहा है, ए के रिएक्शन कर रहे हैं हमने प्यूरन से, तो इससे बी बनता है, बी का हाइड्रोलिसिस करना है हमने तो इससे सी बनता है, ठीक है. तो ए बी सी आइडेंटिफाई करने, बाकी सारे रिएक्शन में प्रोडक्ट्स बनाने डायरेक्टली, और यहाँ पर हमको ए बी सी को आइडेंटिफाई करना है. करिए फिर इनके सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं, ठीक है.